जम्मू काश्मीरमधला अनुच्छेद 370 रद्द केल्यानंतर काँग्रेसमध्ये गोंधळाची स्थिती असल्याचं समोर आलं. जनार्दन द्विवेदींनंतर आता काँग्रेसचे लोकसभेतले सभागृह नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्या वक्तव्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. मोदी सरकारनं हस्तक्षेप करायला काश्मीर प्रकरण भारताचं अंतर्गत प्रकरण थोडेच आहे असं असंवेदनशील वक्तव्य काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी लोकसभेत केले. यावर संतप्त अमित शहांनी पीओ केला, आपण भारताचा हिस्सा मानत नाही का असा सवाल काँग्रेसला केला. मात्र भाजप त्यांच्या सोयीनुसार अर्थ काढत असते असा आरोप अधीर रंजन चौधरी यांनी केला. अधिसूचनाची सिफारिश करता है भाग लेना, ये तो हमारे स्पीकर है महोदय, अभी नियम नहीं है तो चर्चा में बोले वो. अच्छा, कहते ये इंटरनल मैटर है, हो गया. आपने एक स्टेट को मतलब बाइफर्केशन कर दिया, हो गया. लेकिन लेकिन नहीं नहीं नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 1948 से 1948 में जहां यूनाइटेड नेशन की मॉनिटरिंग हो रहे हैं वो का इंटरनल मामला है. नंबर वन शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे वो का इंटरनल मामला था, ये बायलैटरल. कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखलअंदाज मत करो. तो फिर उसके बाद भी क्या का जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है, ये तरह तरह की बात है. आपने सबको धाजिया उड़ा के हमें समझना चाहिए, हम तो जानना चाहते हैं. अरे आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं. इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए. क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए. सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बुला हूं तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को. और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है, और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित. हमें तो स्थिति साफ करना चाहिए ना सरकार की रवैया का है, क्योंकि ये सरकार को हम ये भी ध्यान दिलाया कि आज आपने जम्मू कश्मीर को खंडित किए हैं, बाइफरकट किए हैं, लेकिन एक समय इसी सदन में 1994 में हम लोग एक रेजोल्यूशन पास किया जहां ये कहा गया कि हम लोग ये कसम खाई थी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मतलब गुलाम कश्मीर और ये कश्मीर दोनों को हम एक साथ जोड़ेंगे. तो इसका भी कोई आपको जिक्र नहीं है, इतना बड़ा बिल ला रहे हो लेकिन गुलाम कश्मीर के बारे में आप कुछ नहीं बता रहे हो. ये भी मैंने पूछा, तो जो मैंने पूछा वो तो आप हिसाब करके जो उनके फायदे में होगा अगर वो दिखाओगे तो मैं क्या कर सकता.